नीट की एक बेहतरीन सवाल है, पढ़ते हैं। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। दो चार्जेस हैं, डी डिस्टेंस दूरी पे है। इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, हाँ दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स मिस कर रहे हैं यानी दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, जितने निकले होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज उसमें होंगे, यानी Q की वैल्यू निकालेंगे। नहीं, Q की नहीं, के इक्वल टू एन ए, नंबर ऑफ कितनी है उस चार्ज की, वेयर ई बीइंग द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इस ऑप्शन में जो ई की वैल्यू है वो बता रही है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है, हाँ जितनी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगी उतनी प्रोटॉन पे होगी, सही बात है। ऑप्शन देखते हैं, 4πε(fd²q², ऑप्शन 2 4πε(fd²e²), थर्ड ऑप्शन √4πε(fe²d²), एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4πε(fd²e²). पॉसन पॉन्डर करें, हम सॉल्यूशन को करते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए बाहर यानी हो गए पॉजिटिव चार्ज, और ये कह रहे हैं कि क्यू चार्ज है दोनों पे, दूरी भाई डी है दोनों के बीच में, बहुत खूब। तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे होगी, हाँ कूलम्ब फोर्स लगा रही होगी, ये इसके बाहर की तरफ लगा रही होगी, वो भी उतनी फोर्स से उसको उधर की तरफ धक्का दे रही होगी। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर यानी डी स्क्वायर। अच्छा, हमें क्यू ही तो निकालनी है जिसमें एन ही था, एन ही निकालना, यानी क्यू स्क्वायर को एक जगह कर देते हैं और बाकी एफ डी स्क्वायर, और ये के नीचे आएगी, के तो 1/4πε0 थी, नीचे 4πε0 थी, मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगी तो 4πε0 ऊपर चले जाएगी। चारों ऑप्शन में यही है 4πε0 एफ डी स्क्वायर, ये वाला में ई स्क्वायर, यानी ये गलत हो गई, ये तो देख के लग रहा है कि गलत हो गई। चल अब आगे बढ़ते हैं, बचा तीन ऑप्शन हमारा, तो क्यू कल टू एन ई यानी एन स्क्वायर ई स्क्वायर, देन दिस इज द 4πε0 एफ डी स्क्वायर, हमें बचा कि एन स्क्वायर निकालनी है, नहीं एन निकालना है। चलो भाई तो पहले ई स्क्वायर को नीचे तो लाओ, तो 4πε0 एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हटा, स्क्वायर हटा तो ये अंडर रूट आ गया, सो आवर सही जवाब होगी 4πε0 एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।